Hello students of class 8. Now once again welcome back in my class. आज मैं आपको हिस्ट्री में कॉलोनाइजेशन इन इंडिया के अंतर्गत बताऊंगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम दैट मीन्स बंगाल को अपने अंडर में किया, उस पर जीत हासिल की। शुरू करते हैं, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल कैसे जीता ब्रिटिश लोगों ने बंगाल को। तो बंगाल का जो पोजीशन था फ्रॉम द 13th सेंचुरी और इवन वन सेंचुरी मोर अर्लियर, इट वॉज क्वाइट सेफ फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेसन। दैट्स वाई हियर आर्सेनिंग, लूट एंड अदर इंसिडेंट्स हैड नॉट बीन टेकन बाई द ट्रेडर्स और द इन्वेटर्स। यही कारण है कि बंगाल भारत का लगभग धीरे धीरे सबसे समृद्ध जो है वो स्टेट बन गया था, प्रांत बन गया था। नो डाउट ब्रिटिश हैड एस्टैब्लिश इस फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन 1630। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री वेस्ट कोस्ट पे सूरत में खोली, वहाँ के व्यापार में पार्टिसिपेट किया। लगभग जो है 40 साल लगभग वो सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट में ऑपरेट करते रहे, लेकिन उनके बाद वो भारत की स्थितियों को धीरे धीरे समझ रहे थे। और उन्होंने जब ये समझा इसका महत्व को जाना कि ईस्टर्न इंडिया में बंगाल का महत्व काफ़ी ज़्यादा है, ये एक जो है एग्रीकल्चरली यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भी बहुत ही रिच जो है रीजन था, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग हब भी था और ट्रेड के लिए भी यहाँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसलिए इन लोगों ने अपना पहला फैक्ट्री ऑन ईस्टर्न कोस्ट इन ईस्टर्न इंडिया, हुगली जो कि एक गंगा की सहायक नदी है, उसमें 1651 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया। अब यहाँ से कहानी बिल्कुल चेंज कर जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे अगर कहें तो जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे इन जनरल वो फैक्टर्स कहलाते थे, और ये फैक्टर जहाँ रहते थे, जहाँ उनके इन फैक्टर्स के गोदाम होते थे, साइट ऑफ वेयर हाउस उनके घर आवास होते थे या ऑफिस होते थे, कार्यालय होते थे, उस साइट को फैक्ट्री कहा जाता था। इसलिए जब हम ये चर्चा करते हैं कि फैक्ट्री खोली ब्रिटिश ने या फ्रेंच लोगों ने, तो फैक्ट्री से मतलब है द साइट वेयर दीज फैक्टर्स ऑपरेटेड, उसको फैक्ट्री कहते हैं। इन 17th सेंचुरी जब ग्रेट मुगल औरंगजेब या उसके पहले उसके फादर यानी कि शाहजहां रूल कर रहे थे, तो ड्यूरिंग द ग्रेट मुगल्स नन यूरोपियन कंपनी डेयर्ड टू इंटरवेन द ऑन गोइंग पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री एंड ऑल्सो डिड नॉट डेयर टू वायलेट ओवर रूल डिफाई द ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ रूलर्स। हालांकि औरंगजेब के इसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन को एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने या उसके ऑफिशियल्स ने उल्लंघन करने का एक प्रयास किया, जिसके लिए उसे सीवियरली पनिश किया गया एम्परर की ओर से। उसके जो मामा था औरंगजेब का शाइस्ता खान, उसको चार्ज दिया गया, औरंगजेब की ओर से कहा गया कि जरा इन ब्रिटिश ट्रेडर्स को है ना ठीक किया जाए, उसको पनिश किया जाए, और उसने बखूबी ये काम किया। औरंगजेब की ताकत और उसके प्रभाव को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ये समझा इस बात के महत्व को जाना, तो औरंगजेब के सामने उसने प्रस्ताव भी भेजा कि जिसमें उसने कहा कि बंगाल में हमको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का परमिशन दिया जाए, और उसके बदले ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से ड्यूटी फ्री, हम वन टाइम पेमेंट करेंगे यानी
in lieu of one time annual payment wanted to operate duty free trade in Bengal East India Company, but the proposal was rejected by Aurangzeb. Aurangzeb ने उनके इस प्रस्ताव को नहीं माना. हालांकि बाद में चलकर जब फर्रुख सियर during the period of later Mughal बादशाह बना, तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सुविधा दे दी, उनको ये प्रिविलेज दे दिया. He granted British India Company to operate duty free trade in Bengal. Really, ये जो ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का जो उसने परवाना दिया उसको, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में मैग्ना कार्टा साबित हुआ. मैग्ना कार्टा वास्तव में एक इंग्लैंड के राजा के द्वारा वहाँ की जनता को जो राइट्स दिए गए थे, वो राइट जो है ना जो दिए गए थे उसको मैग्ना कार्टा में ही उल्लिखित किया गया था. यानी कि वो कह सकते हैं कि चार्टर ऑफ राइट्स, जो प्रिविलेज उस जमाने में 13th सेंचुरी के में ही जो दिया गया था, वह काफी ज्यादा ब्रिटिश नागरिकों के लिए इनकमिंग फ्यूचर बेहतर साबित हुआ. धीरे धीरे वह जो है मोनार्की से रूल्ड ब्रिटेन धीरे धीरे डेमोक्रेटाइज हो गया. इसकी शुरुआत जो होती है वो मैग्ना कार्टा से ही होती है. यहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो राइट दिया गया ग्रांट के रूप में फर्रुख सियर के द्वारा बंगाल में फ्री ट्रेड करने का, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का, वह उसके लिए मैग्ना कार्टा से कम महत्वपूर्ण नहीं साबित हुआ. हालांकि इसको इस इलाके में दस्तक कहा जाता था. इस दस्तक की सहायता से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार काफी तेजी से बढ़ा बंगाल में, और बाद में चलकर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इस दस्तक का दुरुपयोग भी करना शुरू किया और उसके मिसयूज करके अपने प्राइवेट जो है ट्रेड को भी ऑपरेट करना शुरू किया, रेगुलेट करना शुरू किया. वो भारतीय व्यापारियों के भी सामान को अपना मुहर लगाकर जो है ट्रेड कर दिया करते थे, व्यापार यानी कि विदेशों में एक्सपोर्ट किया कर दिया करते थे. और इस तरह से भारतीय व्यापारी डायरेक्टली जो है नवाब को कस्टम ड्यूटी देने से बच जाते थे, लेकिन उसके बदले में एक अच्छा खासा रैंसम जो है यह ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल ब्रिटिश व्यापारियों से लिया करते थे. इस तरह से बंगाल के नवाब को एनुअली अब अच्छा खासा कस्टम ड्यूटी का लॉस होने लगा. इट इनकर्ड अ ग्रेट लॉस ऑफ रेवेन्यू इन बंगाल. और बंगाल का नवाब इस बात से बखूबी परिचित था, वह जान रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले निश्चित तौर पे इस दस्तक का मिसयूज कर रहे हैं. सिंस जनरली ऑल दोज नवाब्स ऑफ बंगाल, मुर्शिद कुली खान, सुजाउदौला खान, सुजाउदौला अलवर्दी खान, लाइक यू नवाब्स वेयर वेरी मच फार साइटेड एंड ऑल्सो वेरी मच कॉशस टू द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल. यही कारण है कि अलवर्दी खान जब 1756 में मरने को था, तो उसने अपने युवा नाती सिराजुद्दौला को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि वह चाहता था कि सिराजुद्दौला ही उसका वारिस बने. उसका बेटा कोई था नहीं, अपना दो बेटियां थी, उसमें से एक बेटी से सिराजुद्दौला था. तो उसने इंस्ट्रक्शन दिया था कि इन ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों से, इस ईस्ट इंडिया कंपनी से सावधान रहने की आवश्यकता है, किसी भी स्तर पर ये विश्वास के काबिल नहीं है. इसी सस्पिशियस जो टेंडेंसी थी बंगाल के नवाब की, तो उन नवाबों ने एक गाइडलाइन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निर्धारित कर दिया था. दे हैड रियली पुट सम कंडीशंस बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी. If company would follow those conditions, they were free to operate and use the privilege. But if not, if there was any violation of those conditions, the Nawab was of view to take back
द प्रिविलेज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या क्या थे उसके वास्तव में कंडीशन व्यापारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के? ट्रेड रेवेन्यू वाज मेड पेएबल ऑन प्राइवेट ट्रेड। कहा गया कि जो आप प्राइवेट ट्रेड करते हैं, चोरी छुपे जो ट्रेड करते हैं, अपना पर्सनल जो ट्रेड करते हैं कंपनी के अलावा, जो उनके ऑफिशियल जो क्या कर रहे थे, उस पर टैक्स चुकाना होगा, वो पेएबल है। अदरवाइज प्रिविलेज कुड बी टेकन बैक। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर कंपनी को जो विशेष अधिकार प्राप्त है ट्रेड में, यहाँ उसे समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। और किसी भी प्रकार का फोर्टिफिकेशन जो यहाँ फोर्ट विलियम तब तक एस्टैब्लिश कर चुकी थी इंडिया कंपनी, तो कहा कि फोर्टिफिकेशन नहीं करना है आगे, क्योंकि फोर्टिफिकेशन अगर कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लिया तो नवाब को भय था कि वो फिर जो है डेयरिंग हो जाएंगे और आसपास के क्षेत्रों में जो उनका जनरल टेंडेंसी था वो लूट मार भी मचा सकते हैं, और उनके जो साउथ इंडिया में एक्टिविटी को देखते हुए उन्हें डाउट था कि शायद जो है ये पॉलिटिकल पावर के रूप में बंगाल में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी कर सकेंगे। साथ ही साथ चूंकि वो फोर्ट के अंतर्गत रहेंगे, इसलिए नवाब जब कभी भी उनकी सेना उस पर एक्शन लेना शुरू करेगी, चाहेगी भी इनको पनिश करने के लिए, अगर वो कोई इलीगल जो है एक्ट करते हैं तो इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने फर्दर फोर्टिफिकेशन के लिए इस ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मना कर दिया। एक और दूसरा जो है कि कंपनी को अपने सिक्के ढालने की इजाजत नहीं थी। जनरली उस समय बड़े बड़े राजा महाराजे प्रशासक जो है अपने नाम का सिक्का ढलवाते थे, तो कंपनी की टेंडेंसी थी वो दूसरे जगह जो है ऐसा शायद करती रही होगी, लेकिन यहाँ उन्हें अपने सिक्के ढालने की अनुमति नहीं दी बंगाल के नवाब ने। कंपनी से भी ऐसा किया गया कि जो ड्यूटी फ्री ट्रेड आप करते हैं उसके बदले ट्रिब्यूट के रूप में बंगाल के नवाब को प्रतिवर्ष एक अच्छा खासा अमाउंट वन टाइम पेमेंट के रूप में देना पड़ेगा। इसके अलावा जो और कंडीशन थे उसको हम दूसरे स्लाइड में देखते हैं। हाँ, और जहाँ बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ इस प्रकार के कंडीशन थे, तो इंडिया के और दूसरे भाग में, खास करके साउथ इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कंडीशन था वह थोड़ा इससे अलग था। और इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिटिश लोग पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा कंफर्टेबल कंडीशन में था। इनके जो इनका जो आर्क राइवल यूरोप में जो था, इनका जो कह सकते हैं जान दुश्मन, यानी कि ट्रेड में या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकली, फ्रेंच लोग हमेशा उस दरमियान एक राइवल जो है पावर थे। यूरोप में भी इनके बीच युद्ध होता रहा था, भारत में भी, साउथ इंडिया में ड्यूरिंग द कर्नाटिक वार्स, बोथ पावर्स द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश वेयर बिजी इन स्लोइंग डाउन ईच अदर बाय यूजिंग द डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक एंड अदर टैक्सेज। और यही कारण है कि विद इन द कंट्री इंडिया इटसेल्फ एंड ऑल्सो इंटरनेशनली नाउ द ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक एंड पोलिटिकल कंडीशन वे आर चेंजिंग इन इंडियन ईयर ऑफ ग्रोथ ड्यू टू मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द फ्रेंच। फ्रेंच इनके सामने टिक नहीं पा रहे थे, उनकी अपनी कुछ कमजोरियां थी, जिसके कारण ब्रिटिश जो है अब इस राइवलरी में आगे निकल रहे थे। इसलिए जब कंफर्टेबल कंडीशन में आ गए तो कंपनी ने बंगाल में इस बात को महसूस करना शुरू किया। नाउ इन कंपनी ओपिनियन कंडीशंस ऑफ नवाब ऑफ बंगाल वर अनजस्ट। बंगाल के नवाब ने जो चार कंडीशन लगाए थे फ्री ट्रेड ऑपरेट करने के लिए बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पर, अब उनको लगने लगा कि ना ना ये तो क्या है, तो अन्यायपूर्ण है उनके लिए, ये ठीक ठाक नहीं है, अनजस्ट है। सो दे ऑल्सो वॉन्टेड, क्योंकि उनकी सोच थी कि इसको किसी प्रकार से दूर किया जाए, तो पहली आवश्यकता उनकी ये थी कि अपने आप को सेफ किया जाए, और इसके लिए सबसे आवश्यक क्या था कि वो अपने सेटलमेंट को फोर्टिफाई कर सके, मजबूत कर सके, ताकि अगर नवाब और उसकी सेना चाहे भी तो उन्हें नुकसान न पहुंचा सके।
इसी कारण दे वांटेड टू फोर्टिफाई देयर फैक्ट्री एट कोलकाता, जो फोर्ट विलियम था उसका है ना बेहतर फोर्टिफिकेशन करने की कोशिश की इसने। लेकिन तब तक जो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि अलीवर्दी खां का यह जो नाती था, जो युवा था, इसको उसके नाना ने बताया था कि किस प्रकार फॉक्स लाइक जो मेरिट है इस कंपनी के, इसके हर एक्टिविटी जो है सस्पिशियस है। तो ये शुरू से ही ये माइंड में सिराजुद्दौला ने इस बात को रखा था, समझ गया था कि वास्तव में अगर बंगाल में कोई उसका सही मायने में दुश्मन है तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। और इसको उसने प्रत्यक्ष तौर पे देखा था जब उसका एक्सेस संयाई बंगाल के नवाब के रूप में जो उसको उत्तराधिकार मिला अपने नाना से, उसमें काफी अड़चने आई रॉयल कोर्ट में, काफी उस बंगाल के रॉयल कोर्ट में काफी कॉन्स्पिरेसी का दौर चला लंबा। इसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम, उसने अपने बेटे को चाहा कि ए बंगाल के नवाब के रूप में स्थापित किया जाएगा, उसको उत्तराधिकार दिलाया जाए। नतीजा कि षड्यंत्र का खड़ा हो गया और डिफरेंट फैक्शंस ऑफ कोर्ट ऑफ नवाब वेयर बीजी इन सपोर्ट आइदर ऑफ द ग्रुप, कोई सिराजुद्दौला को सपोर्ट कर रहा था, कोई जो है घसीटी भी यानी इसकी मौसी के लड़के को सपोर्ट कर रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सपोर्ट किया, इंटरवेन किया, इस प्रकार के रॉयल कोर्ट के जो उसमें जो चल रहे थे डिप्लोमेटिक या कह सकते को कोई जो चल रहा था वहां कॉन्स्पिरेसी का दौर, इन लोगों ने भी उसमें इंटरवेन किया, और इंटरवेन किया तो इन अगेंस्ट सिराजुद्दौला, इसलिए शुरू से ही खफा था ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंग्रेजों से इनके रिश्ते सिराजुद्दौला का काफी खराब हो चुका था। तो है ना इसके कंडीशन वास्तव में क्या क्या थे, ब्रिटिश साइड इंटरफेयर इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल, तो नवाब खफा हुआ। इसके अलावा इसने सेटलमेंट जो है जो इनका था कोलकाता में फोर्ट विलियम, उसका फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया। और एक तीसरा जो सबसे बड़ा था वो आर्थिक था, कि जो वन टाइम एनुअल एनुअल जो है पेमेंट करते थे ट्रिब्यूट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नवाब को, उसका पेमेंट बकाया था और उसको वो पेमेंट कर नहीं रहे थे, तो नवाब के लिए गुस्सा होने का काफी वाजिब कारण थे। दोनों के बीच इस प्रकार का जो रिश्ता जो खराब हुआ, वेन द रिलेशंस बिटवीन बोथ दीज नवाब एंड द कंपनी इटसेल्फ, टू रिसॉल्व द डिस्प्यूट नेगोशिएशन वाज स्टार्टेड, बातचीत का दौर चला, लेकिन अंततः यह सफल नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के मन में अपने खुन्नस थे, दोनों के अपने अपने रिजर्वेशन थे, दोनों के जो रिजर्वेशन थे उसने दोनों को यानी कि कंपनी को और कंपनी के ऑफिसर को और नवाब को किसी एक खास बिंदु पर, किसी एक खास जो है कंप्रोमाइजिंग पॉइंट पे आने में मदद नहीं किया, बल्कि इनके बीच जो है रिश्ते और कटु हो गए। नवाब ने देखा कि इसके बाद हमारे पास मौका है, उसने अपने सेना को आदेश दिया और उसकी सेना ने कासिम बाजार और कोलकाता में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्रीज थे उस पर आक्रमण कर दिया और बाजार को लूट लिया, कैप्चर कर लिया उसको, और इस तरह अब इन दोनों के रिश्ते और खराब हो गए। इस बिगड़ती हुई स्थिति जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में हो रही थी को देखते हुए कंपनी के डायरेक्टर्स ने लॉर्ड क्लाइव जो उस समय मद्रास में एक कर्मचारी के रूप में ऑफिशियल कलर के रूप में सीने कंपनी का काम कर रहा था, चेन्नई जो आज बता रहता है, उसको ये चार्ज दिया गया कि जाकर बंगाल में कंडीशन को जरा देख। जैसे वो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आया तो किसी न किसी तरह से शान दान दंड भेद सारी नीतियों का पालन करते हुए अंत में वह ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशन को बंगाल में फिर से अपर हैंड करने में सफल हो गया। हालांकि इसके लिए उसे एक छोटा कह सकते हैं कि अस्कर्मिस भी जो है बंगाल के नवाब से फेस करना पड़ा, सिराजुद्दौला के साथ
है ना, बैटल ऑफ पलासी फेस करना पड़ा, जिसको बड़ी चालाकी से रॉबर्ट क्लाइव जीत लेने में सफल हो गया, बहुत ही चालाकी से। तो देखेंगे अगले वीडियो में कि कैसे जो बैटल ऑफ पलासी की हैपनिंग होती है, इंसिडेंट होता है जिसमें अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होती है, उसके वास्तव में क्या क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम हुआ, ये हम आपको आने वाले अगले वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो इतना ही, तब तक आपके इंतजार करें। थैंक यू।